गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 6 का थर्ड वीडियो और आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने कमर्शियल बैंक और उसके फंक्शंस देखे थे, उसके बाद के वीडियो में हमने सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस देखे थे, उसके में हमारा लास्ट फंक्शन बाकी था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जनरली भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नो, हमने समझा था कि आरबीआई ही कंप्लीट अथॉरिटी है नोट इशू करने के लिए, यानी कि सेंट्रल बैंक ही कंप्लीट अथॉरिटी है नोट इशू करने के लिए। अब हमें ये समझना है कि मनी क्रिएशन क्या होता है और किस तरीके से ये आरबीआई जो है वो मनी को कंट्रोल करता है। आप में से कितने लोग ये मानते हैं कि आरबीआई के द्वारा जो मनी क्रिएट की जाती है, यानी कि जो नोट छापे जाते हैं, केवल वो ही मार्केट में सर्कुलेट होते हैं, उससे ज़्यादा पैसे नहीं होते। अभी अप्रॉक्सीमेटली आरबीआई 17 लाख करोड़ के नोट छाप चुका है, यानी कि मार्केट में भी 17 लाख करोड़ नोट रुपये के डिनोमिनेशन के नोट है। इसका मतलब अगर आपको ये लगता है कि केवल लोगों के पास 17 लाख करोड़ रुपए ही एज ए पूंजी है, एज ए धन मनी है, तो आप गलत हो। इसमें मनी क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है ये हम आज के इस चैप्टर में समझेंगे। अब हम समझते हैं कि मनी क्रिएशन एक ऐसी प्रोसेस है जो बैंकों को एक एबल करती है, यानी कि बैंकों को ये बताती है कि वो क्रेडिट क्रिएट कर सके जो कि इनिशियल डिपॉजिट से फॉर एक्सेस होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा होती है। अब हम यही समझेंगे कि ये एक्सेस अमाउंट किस तरीके से बनता है। जैसे मैंने आपको कहा कि आरबीआई ने तो केवल 17 लाख करोड़ रुपए के नोट छाप रखे हैं। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आरबीआई ने जो 17 लाख करोड़ के नोट छाप रखे हैं, ये आरबीआई के लिए क्या है? ये आरबीआई के लिए एक एसेट है या एक लायबिलिटी है? तो यहाँ पे अगर आपका जवाब क्या आता है वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आरबीआई के लिए ये लायबिलिटी है। क्यों लायबिलिटी है? क्योंकि नोट एक कुछ नहीं है, एक प्रोमिसरी नोट है। प्रोमिसरी नोट इश्यूड बाई आरबीआई एंड गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत, ठीक है, नोट के ऊपर। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक छोटी छोटी लाइनों में लिखा हुआ रहता है कि मैं धारक को इतने रुपये, जितने भी रुपये का वो नोट है, उतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक प्रोमिसरी नोट है और नीचे आरबीआई गवर्नर के साइन रहते हैं। तो यहाँ पे आरबीआई नोट, सॉरी, जो बैंक हमारी जो नोट है, हमारी जो करेंसी है, वो क्या है? वो एक प्रोमिसरी नोट है इश्यूड बाई आरबीआई, है ना, एंड गारंटीड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक। अब ये नोट जो है वो इशू किए गए हैं केवल 17 लाख करोड़, यानी लोगों के पास कितने रुपये होने चाहिए? 17 लाख करोड़। लेकिन लोगों के पास और भी ज़्यादा रुपये हैं। अब वो और ज़्यादा रुपये कैसे क्रिएट हुए? क्योंकि आरबीआई ने क्रिएट नहीं किया, वो क्रिएट किया हमारे बैंकिंग सिस्टम ने। अब कैसे क्रिएट किए वो हमें समझना है। उसके लिए हम केवल एक एजम्पशन लेते हैं कि जितने भी लोग हैं, हम, आप और ये सब, ये कैश में ट्रांजेक्शन करते ही नहीं है, कैशलेस इकोनॉमी है, ये सारे ट्रांजेक्शन बैंकों से होते हैं। अब बैंकों से होने का मतलब है कि चेक, UPI, है ना, इस तरीके से, किसी भी तरीके से, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड, किस तरीके से भी ये हो सकता है, लेकिन ये होता है थ्रू द बैंक। अब मान लीजिए कि आरबीआई, यहाँ पे हम एग्जांपल में लेते हैं कि आरबीआई ने इनिशियली 1000 रुपये इशू किए और 1000 रुपये इशू करके आम जनता में डिवाइड कर दिए, कि ये लिए आम जनता में उन्होंने बांट दिए, ठीक है। नो, अब आम जनता, क्योंकि हमने क्या समझा था कि कैश में कोई लेन देन होगा नहीं, तो कैश जो आम जनता वो कैश अपने पास रखेगी क्यों? जब उसमें कोई लेन देन हो ही नहीं सकता तो कैश रखेगी क्यों? वो अपना पूरा पैसा कहाँ डिपॉजिट करवा देगी? वो पूरा का पूरा 1000 रुपये डिपॉजिट करवा देगी बैंक के अंदर। अब बैंक क्या करेगा? बैंक का काम क्या है? बैंक का काम केवल डिपॉजिट रख करके रखना तो है नहीं, क्योंकि उसे इंटरेस्ट देना है उस डिपॉजिट पे। तो बैंक क्या करेगा? बैंक इन्हें वापस से आगे पब्लिक को लोन के रूप में प्रोवाइड कर देगा। नो, लोन कितने दे देगा? वो जिसके जितना उसके पास फंड आया था उतना लोन वो वहाँ पर प्रोवाइड कर देगा। अब यहाँ पर फिर से आम जनता के पास कितने रुपये हो गए? 1000 रुपये हो गए। तो पहले 1000 रुपये यहाँ से आए थे इनिशियल डिपॉजिट के रूप में, फिर वापस से 1000 रुपये लोन के रूप में आ गए, तो यहाँ पर कितने रुपये हो गए? 2000 रुपीज़ हो गए टोटल। फिर वापस से, अब आम जनता वापस से क्या करेगी? आम जनता इसे पैसे को रख नहीं सकती। क्यों नहीं रख सकती? क्योंकि कैश में कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं रहा, तो वापस से ये जो है डिपॉजिट करवाया जाएगा बैंक के अंदर। नो, बैंक के अंदर अगर डिपॉजिट करवाया गया तो वापस से वो 1000 रुपये ही डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे। अब फिर से क्या होगा? बैंक जो है वापस लोन बांट देगी और ये जो है काम चलता रहेगा। वापस से जो है पब्लिक डिपॉजिट करवाएगी और बैंक जो है लोन के रूप में आगे बांट देंगे, फिर वापस से पब्लिक डिपॉजिट करवाएगी, फिर बैंक लोन दे देगा, फिर पब्लिक डिपॉजिट करवाएगी और फिर बैंक जो है वो लोन देता रहेगा, और इस तरीके से चलता रहेगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मनी जो है वो क्रिएट होती जा रही है। पहले यहाँ से 1000 से 2000 हुए, फिर जैसे ही वापस से डिपॉजिट करके लोन मिला तो 3000 हो गए आम जनता के पास, फिर वापस से जैसे ही डिपॉजिट करवा के लोन मिला फिर से 4000 हो गए, और फिर वापस से डिपॉजिट करवा के लोन दिया वैसे ही 5000 हो गए। तो जितनी बार ये राउंड घूमता जाएगा उतने ही पैसे होते जाएंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज़ सोचिए, आरबीआई को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है।
क्या कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आरबीआई यहाँ कंट्रोल नहीं करेगा तो क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। अब इन इनिशियल इन्होंने पैसे जमा कराए, अब एक दिन इनके मन में आता है कि चलो यार अपने डिपॉजिट है अब उनको खर्च करते हैं, हम जाते हैं बैंक के पास लेने। ये चले गए बैंक के पास लेने और उन्होंने कहा कि भाई हमको 500 रुपये आप निकाल के दो। तो बैंक क्या करेगा, क्या बैंक इस पूरे चक्र को ख़त्म करेगा और यहाँ से ही वापस से लेना चालू करेगा? और क्योंकि इनके पास तो अपना कोई पैसा है नहीं, इन्होंने तो ये पैसा यहाँ जमा करा दिया था, फिर जब इनके पास आया तो इन्होंने वापस बैंक में जमा कराया जिसको बैंक ने वापस से लोन दे दिया, तो ये वापस से उल्टा चक्र चलेगा। और इसको 500 रुपये देने के लिए कितने लोगों से वापस से वसूल करने पड़ेंगे? अगर ये सोचिए, अभी तो यहाँ 5 टाइम्स है, अगर ये 5000 टाइम्स हो जाए तब क्या हो? तो इसीलिए इस चीज़ को रोकने के लिए आरबीआई एक चीज़ करता है और उसे हम बोलते हैं स्टेचुरी लिक्विड रेशियो। क्या होता है ये? अब ये देखिए, ये है बैंक, इसमें आम जनता डिपॉजिट करवाती है, ठीक है, आम जनता क्या करती है, डिपॉजिट करवाती है। अब आरबीआई क्या करता है, आरबीआई बैंकों को बोलता है कि जितने भी आपके पास डिपॉजिट आए हैं उनका एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट आप मेरे पास डिपॉजिट करवाओ। क्यों करवाओ? क्योंकि अगर कल को आप कुछ डिफॉल्ट करते हैं तो मेरे पास गारंटी रहे आपकी कि आप कोई डिफॉल्ट नहीं करोगे। ये लगभग रहता है 3 से 4% के बीच में, अभी 3.5 या 3.75 होगा, आप एक बार आरबीआई की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। नाउ अब यहाँ पे तो आरबीआई पे जमा कराना पड़ता है, जिसे बोला जाता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR, कैश रिजर्व रेशियो। अब इसके अलावा भी आरबीआई एक और फंक्शन करती है। आरबीआई क्या करती है कि बैंकों को बोलती है कि आप जो डिपॉजिट करवा रहे हो ये अगर पूरा का पूरा अमाउंट लोन में बांट दोगे तो फिर डिपॉजिटर्स को कब तब क्या दोगे जब वो मांगने आएंगे। इसीलिए आरबीआई इनको कहती है कि आप इस डिपॉजिट पे कुछ अमाउंट अपने पास रख के रखो एज ए कैश और एज ए लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट का मतलब हो गया कि किसी और बैंक में जमा करा दिए या मेरे पास जमा करा दिए या किसी भी तरीके से आपको एज ए लिक्विड एसेट रखनी पड़ेगी। अब इन डिपॉजिट का एक सर्टेन अमाउंट लिक्विड रूप फॉर्म में रखना पड़ता है, इसीलिए इसे बोला जाता है लिक्विड रेशियो, ठीक है। अब चूंकि ये मैंडेटरी है, ये एक ऑप्शनल नहीं है, इसलिए स्टेचुरी लिक्विड रेशियो यानी किसी स्टेचू के द्वारा बताया गया आपको लिक्विड रेशियो है, तो स्टेचुरी लिक्विड रेशियो। अब ये कितना होता है, ये लगभग 20% के अराउंड रहता है, अभी इंडिया में ये 20% के अराउंड रहता है। इसका मतलब क्या कि जब भी 1000 रुपये डिपॉजिट हुए 20% बैंक को अपने पास रखने हैं और केवल 800 रुपये ही जमा कराने हैं, फिर वापस से जब भी ये 20 रुपये जमा होंगे, जब भी 20000 रुपये जमा होंगे वापस से 20% अपने पास रखने हैं। अब समझते हैं कि मनी क्रिएट कैसे होती है। वापस से हमने वही दो अजम्पशन कि सबसे पहला कि बैंक है और बैंक के बाद सारा जो रिसिप्ट और पेमेंट है वो केवल और केवल बैंक के थ्रू ही किया जा रहा है। अब यहाँ पे समझते हैं, अब जैसे ही आपने डिपॉजिट करवाए 1000 रुपये, अब क्या होगा, बैंक इन्हें लोन देगा और लोन कितने का देगा, 1000 का नहीं, ये लोन देगा इन्हें मात्र 800 रुपये का। अभी हमने ये माना है कि 20% स्टेचुरी लिक्विड रेशियो है तो 20% इन्हें रख देता है अपने पास, ठीक है। स्टेचुरी लिक्विड रेशियो प्लस CRR दोनों मिलाकर के हमने 20% माने, इन दोनों को माना जाता है लिक्विड रेशियो, सॉरी लीगल, इसका पूरा नाम क्या था, लीगल है ना, तो लीगल रिजर्व रेशियो LRR, ठीक है। तो लीगल रिजर्व रेशियो अभी क्या है हमारे पास, 20% है, यानी कि क्या होगा, 1000 रुपये जमा कराने पर 800 रुपये ही लोन के रूप में बांटे जाएंगे। फिर वापस से जब आम जनता डिपॉजिट करवाएगी तब वो कितना डिपॉजिट करवाएगी, वो अब चूंकि उसके पास 800 आए तो 800 डिपॉजिट करवा देगी। नाउ अब क्या होगा, वापस से जब लोन बांटे जाएंगे, अब चूंकि बैंकों के पास वापस कितने आए, यहाँ 1000 आए थे, यहाँ क्या 800 ही आए, और यहाँ टोटल मनी कितनी क्रिएट हो गई, 1000 रुपये इनिशियल थी, 800 रुपये और हो गई, तो यानी कि 1800 रुपये हो गई। अब आगे क्या होगा, 800 में भी 20% वापस से काट के 1000 रुपये, ये मैंने पिछला वाला उठाया था इसलिए, तो 800 रुपये न जमा करा करके यहाँ पे कितने जमा लोन के रूप में बांटे जाएंगे, 640 रुपये बांटे जाएंगे। और इसी तरीके से ये प्रोसीजर आगे चलती जाएगी, डिपॉजिट वापस से कितने हो जाएंगे, 640, और उसके बाद बैंक जो है वापस से लोन बांटेगा। अब वापस ये 20% निकालेगा, तो ये 20% निकालेगा इसका 64 का, तो यहाँ पे कितना चला जाएगा, 128 दो, और ये चले गए 25, सही है ना, ये सॉरी 512, तो ये लोन के रूप में बांटे जाएंगे। उसके बाद ये आम जनता वापस से डिपॉजिट करवा देगी कितने, 512 जितने इसके पास आएंगे, और वापस से ये लोन बांटे जाएंगे। अब ये अमाउंट आपको मुझे कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। अब ये चीज़ तो हो गई कि वो बार बार जमा कराया जा रहा है, जमा कराया जा रहा है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये मनी टोटल कितनी क्रिएट हुई है, क्योंकि ये अनलिमिटेड टाइम तक चलती जाएगी। अब इसमें टोटल मनी कितनी क्रिएट होगी, यही हमें इस फॉर्मूले से निकालना होता है। ये फॉर्मूला ये बताता है कि पहले हमें निकालना होता है मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर हमें ये बताना होता है कि इनिशियल डिपॉजिट का टोटल कितना गुना
ये बैंकिंग सिस्टम बना देगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/LRR। LRR हमने कितना माना था, 20%। अगर आप ये लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1/20, 1/20, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल जाएगा 5। और जब हम इसे टोटल डिपॉजिट मतलब इसे इनिशियल डिपॉजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास निकल जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि बैंक सब मिलाकर के टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो चुका है, 5,000। 1,000 हमारा अगर इसे इनिशियल है तो टोटल जो बैंकों ने क्रिएट किया वो कितना क्रिएट कर दिया, 4,000 रुपये। इस तरीके से बैंक भी मनी को क्रिएट करने में मदद करते हैं। अब समझते हैं कि RBI का लास्ट फंक्शन क्या है और वो कैसे वर्क करता है इन सब चीज़ों के माध्यम से। अब कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, ये लास्ट का फंक्शन है। अब इसमें होता क्या है, इसमें उससे पहले हम एक और चीज़ समझते हैं, रेपो रेट क्या होती है। देखिए रेपो रेट क्या होता है कि बैंकों को जब भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है उनके पास एक ही ऑप्शन है, वो कहाँ से ले सकते हैं, वो जा करके RBI से लोन ले सकते हैं। तो जब भी RBI से लोन लेते हैं तो उसके बदले में RBI उनसे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, और वो इंटरेस्ट की जो रेट है वो ही कहलाती है रेपो रेट। ठीक है, यानी कि वो इंटरेस्ट की जो रेट है वो कहलाती है रेपो रेट। सिंपल है कि जब भी बैंकों को कोई लोन लेना है वो लोन लेने जाएंगे RBI के पास, RBI उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो रेट कहलाती है रेपो रेट। अब रेपो रेट जो है वो होती है शॉर्ट टर्म लोन के लिए, यानी कि आपको 5, 10, 15, 20 दिन के लिए चाहिए, आप जो लोन लेते हो उस पर जो इंटरेस्ट रेट होती है वो होती है रेपो रेट। वहीं अगर आप लॉन्ग टर्म लोन लेते हो तो उस पर जो रेट आती है इंटरेस्ट की वो कहलाती है बैंक रेट। अब कई बार RBI को भी बैंकों से लोन लेना पड़ता है। अब RBI बैंकों से लोन क्यों लेता है, उसको तो अपनी पर्सनल ज़रूरतें पूरी नहीं करनी, उसे ज़रूरतें पूरी करनी होती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट के लिए जब भी वो RBI लोन लेता है और फिर उसे जब गवर्नमेंट को पे कर देता है, और RBI जब बैंकों को इंटरेस्ट दे रहा होता है तो यहाँ पे RBI क्या करता है, ये जो इंटरेस्ट होता है ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। नाउ तो इन बैंक जो इंटरेस्ट रेट देते हैं वो होती है रेपो रेट, RBI जो इंटरेस्ट रेट देता है बैंकों को वो होती है रिवर्स रेपो रेट। यहाँ तक क्लियर है? नाउ अब समझते हैं कि RBI मनी को कंट्रोल कैसे करता है। सबसे पहले बात आता है कि मीनिंग ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का हमने मीनिंग समझा था पिछले वाले चैप्टर में, जहाँ हमने देखा था M1+M2+M3 और M4। इसका मतलब क्या था कि जो टोटल मनी है पब्लिक के पास वो पूरा का पूरा मनी सप्लाई कहलाता है। ये हमने पिछले वाले कॉन्सेप्ट में ही देख लिया था। नाउ अब हम समझते हैं कि RBI मनी कंट्रोल को क्यों करता है। उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको आप समझिएगा। सबसे पहली बात कि आपने अभी समझा है कि महंगाई होती है, यानी कि इन्फ्लेशन होती है। नाउ इन्फ्लेशन का आप मतलब क्या समझते हैं, कि वस्तुओं की कीमत बढ़ी और घटी है, ठीक है, उनकी डिमांड और सप्लाई की वजह से। लेकिन लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वस्तुओं की कीमत नहीं बढ़ती या घटती नहीं है, बल्कि हमारे रुपए की वैल्यू घटती और बढ़ती है। मतलब क्या, रुपए की वैल्यू घटती या बढ़ती है। ऐसा क्यों होता है, जैसे वस्तुओं की डिमांड की वजह से उन वस्तुओं की जो गुड्स की कीमत बढ़ती और घटती है, सेम उसी तरीके से रुपए की भी जो डिमांड है और सप्लाई है उसकी वजह से ये कीमत घटती और बढ़ती है। ठीक है, अब इसका असर आपको किस पे देखने को मिलेगा, इसका असर आपको कोई रुपए में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि रुपए को आप कहीं खरीदते नहीं हो। ठीक है, आपको इसका असर देखने को पड़ेगा वस्तुओं पे, क्योंकि वस्तुओं को आप खरीदते हो। इस वजह से वस्तुएं अगर जैसे रुपए की जो डिमांड है वो बढ़ गई और रुपए की डिमांड जो है गिर गई, या रुपए की सप्लाई बढ़ गई, इस वजह से अगर रुपए की वैल्यू गिर गई है तो क्या होगा, रुपए की वैल्यू गिरने पे, रुपए की वैल्यू मान लीजिए गिर गई है, तो रुपए की वैल्यू गिरने से क्या होगा, वस्तुएं जो है उतनी उसी लेवल पे, तो यानी क्या होगा, अब आपको ज़्यादा रुपए दे करके सेम वस्तु उतनी ही क्वांटिटी में मिलेगी, यानी आपके लिए वस्तुएं जो है वो महंगी हो जाएगी, यानी इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे या तो अगर सप्लाई मान लीजिए गिर गई है, सप्लाई बढ़ गई है, या फिर डिमांड जो है वो गिर गई है, तब क्या होगा, तब RBI जो है जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, वस्तुओं की जो सप्लाई वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सेम अमाउंट ऑफ रुपीज़ में ज़्यादा कम वस्तुएं खरीद पाओगे, इस वजह से वस्तुओं की जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी, और जैसे ही वस्तुओं की प्राइस बढ़ेगी हम बोलेंगे इन्फ्लेशन बढ़ गया है। अब चूंकि RBI डिमांड साइड को कंट्रोल नहीं कर सकता, यह है डिमांड साइड को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास डिमांड को क्रिएट और लेस करने का कोई साधन नहीं है, वो डिमांड बनाता नहीं है, वो केवल सप्लाई करता है। ठीक है, वो केवल सप्लाई करने का काम करता है मनी, तो इसके लिए उसके पास भी केवल सप्लाई का ही काम है, और वो कंट्रोल भी केवल सप्लाई को ही कर सकता है। तो यहाँ पे RBI क्यों मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है। यहाँ तक क्लियर है? नो, अब RBI ये सब जो कंट्रोल है वो कैसे करता है, ये हमें देखना है। ठीक है, अब इसके लिए उसके पास 5 तरीके हैं। एक है रेपो रेट, दूसरा है बैंक रेट, तीसरा है ओपन मार्केट ऑपरेशन, फोर्थ है
लीगल रिजर्व रेशियो और फिफ्थ है मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब इन पांचों कामों से उसे क्या करना है, आम जनता के पास जो पैसा है उसे बढ़ाना है या घटाना है, ठीक है। डिमांड वो नहीं कर सकता, उसे केवल पैसे को बढ़ाना और घटाना है, सप्लाई को बढ़ानी और घटानी है। रेपो रेट क्या होता है आपको सबको पता है, इंटरेस्ट रेट होता है जो कि आरबीआई बैंकों से चार्ज करता है। नाउ इसमें क्या करता है, जैसे ही मान लीजिए रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया गया तो बैंकों के लिए क्या होगा कि अब आरबीआई को लोन चुकाना थोड़ा सा महंगा हो जाएगा। जैसे ही ये महंगा हो जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, अपने कस्टमर से भी ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करेंगे कि भाई अब आरबीआई हमसे पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तुम भी हमें ज़्यादा पैसे दो। तो इस वजह से लोन लेना महंगा हो जाएगा। अब चूंकि लोन लेना महंगा हो गया, ठीक है, लोन लेना अगर महंगा हो गया तो लोग लोन कम लेंगे, और लोन अगर कम लेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मनी की सप्लाई जो है डाउन आ जाएगी। तो जैसे ही इन्फ्लेशन बढ़ा, मनी की सप्लाई कम हुई, वैसे ही मनी की सप्लाई को बढ़ाने के लिए क्या करेगा, अपनी आरबीआई इंक्रीज करने के बजाय डिक्रीज कर देगा। इससे क्या होगा, लोन लेना सस्ता हो जाएगा, लोग ज़्यादा ज़्यादा लोन लेंगे तो मनी की सप्लाई ऑटोमेटिकली मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। सेम इसी तरीके से बैंक रेट में वो करता है। अब आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, देखिए आरबीआई गवर्नमेंट को पैसे देता है, वो पैसे कहाँ से लाता है, वो पैसे लाता है आरबीआई मार्केट में सिक्योरिटी सेल करके आम जनता से लाता है, क्योंकि और उसके पास तो ऐसा नहीं है कि नोट्स आपके दे देगा, इससे नोटों की वैल्यू कम हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करता है, सिक्योरिटी सेल करता है आम जनता को। अब जब भी उसे लगता है कि मार्केट में पैसे बहुत ज़्यादा है, मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, मुझे इसे वापस निकालना है, तो अगर वो उसे वापस निकालना है तो वो क्या करेगा, वो सेल करने लग जाएगा सिक्योरिटीज़ को। सिक्योरिटीज़ सेल करने से क्या होगा कि लोगों के पास जितना भी पैसा है वो उस सिक्योरिटी को परचेज करने में लगा देंगे। देखिए आरबीआई की सिक्योरिटी की हमेशा डिमांड रहती है, तो जैसे ही आरबीआई की सिक्योरिटी आएगी लोग उसे खरीदेंगे, और लोग जैसे उसे खरीदेंगे अपना पैसा आरबीआई को देंगे, और ऐसे में मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी से कम हो जाएगी। सिमिलरली आरबीआई जब भी परचेज करेगा वो मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, और सॉरी मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, क्योंकि जब भी परचेज करेगा इन्फ्लुएंस करेगा मनी को। नाउ लीगल रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो हमने बताया था कि जो बैंकों को मेंटेन करना पड़ता है, रीज़न क्या होता है, ताकि जो वो जो मनी क्रिएशन है उसको स्टेबलाइज करा जा सके। अब लीगल रिजर्व रेशियो को, अब मान लीजिए मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, लीगल रिजर्व रेशियो यानी कि मान लीजिए अभी 20% है, 20% में अभी मनी कितना क्रिएट होता है, 1/5, ठीक है, सॉरी 1/20 यानी कि 5। अब अगर इसे बढ़ा दिया जाए यानी 25% कर दिया जाए तो अब बैंक कितना क्रिएट कर पाएंगे, 1/25 यानी कि 4 times ही मनी हो पाएगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा दिया जाता है अगर उसे मनी सप्लाई को कम करना है, तो यहाँ पे लीगल रिजर्व रेशियो को बढ़ा देगा अगर उसे मनी सप्लाई को कम करना है। और इसी तरीके से अगर वो उसे मनी सप्लाई को कम करना है, मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो लीगल रिजर्व रेशियो को कम कर देगा 20/16, 20 है ना, तो ये इस तरीके से, और इतना ज़्यादा चेंज नहीं करता है कि 20/25 कर रहा है, 20/21 या 20.5 भी उसके लिए पर्याप्त रहता है, मनी सप्लाई को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेता है। उसके बाद आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट में आप कितना पैसा लोन के रूप में दे सकते हो उसकी सिक्योरिटी का। जैसे अगर मान लीजिए कोई पर्सन 1 लाख की सिक्योरिटी लाता है, और अगर अभी मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक 30% अपने पास रखेगा और केवल 70,000 का ही लोन प्रोवाइड कर सकता है। इस वजह से जैसे ही अब लोन को अगर उसे कम करना है, यानी कि लोन डिस्ट्रीब्यूशन कम करना है, तो वो क्या करेगा, इस मार्जिन को बढ़ा देगा, और जैसे ही मार्जिन बढ़ाएगा, जैसे मान लीजिए 40% कर दिया, तो क्या होगा, बैंक अब केवल 60% ही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, और जैसे ही 60% डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे वैसे ही क्या होगा, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा, और लोगों के पास जैसे ही कम पैसा पहुंचेगा मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। तो आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मनी किस तरीके से कंट्रोल की जाती है बाय द आरबीआई। और आज का इस वीडियो के बाद हम लेंगे नेक्स्ट हमारा अगला वीडियो, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग, गुड डे।